हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस अभी जो है दोपहर के 3 बज चुके हैं और फाइनली अभी जाकर मैंने ब्लॉग को आज शुरू कर दिया है। बिकॉज सुबह से गाइस मैं गया हुआ था अपने मौसी जी के लड़के के साथ, उसका जो प्लास्टर चढ़ रहा था ना पैर में, तो गाइस आज जो है वो प्लास्टर कटने वाला था। तो जो है मतलब उसका जो पैर जो है ओवरऑल पूरा सही हो चुका है, थोड़ा बहुत रह गया था। तो भाई 2 बजे मैं वहीं से आया हूँ और 3 बज चुके हैं, खाना वाना खाते ही भाई 3 बज गए हैं और फिर से मुझे भागना है। पता कहाँ भाई? विक्की के साथ मैं कपड़े लेने जा रहा हूँ आज दोबारा। कल जैसे कि हम गए थे मोनेस्टी, तो मोनेस्टी बंद थी भाई। देव आज चलते हैं, इन लोगों को तो भाई आता नहीं है कुछ लेना देना, ये तो भाई पूरे दिन गेमिंग चैनल देख रहे हैं अपना, पबजी खेल रहे हैं। तो हम चलते हैं, ठीक है भाई? तो नीचे चलते हैं, पैसे वैसे ले लिए हैं सब भाई। देव जो भी है आपको दिखाते रहेंगे ब्लॉग में, ब्लॉग में बने रहना। सब चीज़ चल रहा है, बस मतलब आगे नहीं बढ़ रही है गियर वेयर डालने के बाद, शायद चैन उतरी है, पता नहीं क्या हुआ। चलते चलते में अब धक्का मार के ले जा रहे हैं, देखते हैं भाई दुकान कहाँ है, दुकान मिलते हैं। ठीक है, राजघाट वाला रोड आ गया। टाइम लगता है क्या? नहीं टाइम लगता नहीं है, ये टूट गए भाई, काम चालू है। धक्का लगाते लगाते हालत ख़राब हो गई यार भाई। भाई तू आया मैंने तेरे को क्या बताया, चैन उसकी टूटी, अचानक टूटी है भाई, वो कुछ नहीं हुआ, मतलब चलते चलते अपने आप ही गेयरिंग डल ले गए। मेरे को लगा टूटती होगी तो कम से कम स्लिप तो करती गाड़ी पर, स्लिप भी नहीं करी। पीछे से उतर गई है। अच्छा पीछे से भी उतर गई है। अब तू गियर डालेगा तो वो घूमेगा क्या? हाँ समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया, वो तो वहीं पड़ी हुई है। बड़ा दिक्कत हुआ यार। ये देख सकते हो भाई यहाँ से उतर गई थी, बड़ी दिक्कत हुई यार भाई, हालत ख़राब हो गई धक्का लगाते लगाते। सो फाइनली गाइस हम मोनेस्टी पहुँच चुके हैं, ठीक है? वो देख सकते हो यहाँ से गेट है, ये शायद पीछे का रास्ता है जहाँ से मुझे पता है, मैं वहाँ से ले जा रहा हूँ विक्की को। बाय द वे यार बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा हमें, क्योंकि यार दिक्कत ये हो गई, चैन सेट टूट गया, चैन सेट सही कराया, ठीक है, फिर भी उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत है। गाड़ी ना जो है ना मेरी, वो कभी रुक रही है कभी चल रही है, मतलब दब के चल रही है काफ़ी ज़्यादा। तो वीडियो में पूरी एंड तक बने रहना भाई, चल रहे हैं, मार्केट स्टार्ट होने वाली है, देखते हैं जैसा भी सीन है, अगर ब्लॉग कंटिन्यू करवाया तो करूँगा, नहीं तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है, ले लेंगे तो दिखा देंगे आपको। तो भाई हम अंदर से होके भी आ गए, आज का जो दिन है भाई हमारा ख़राब है बिल्कुल, मतलब आज पोपट ही पोपट हो रहा है। पहले तो देखो कल आए कल भी पोपट हो गया, आ जाए आज भी पोपट हो गया। विक्की को डेनिम जैकेट चाहिए थी, जीन्स वाली जो जैकेट होती है ना, वो मैंने इसे पहले ही बोला था कि भाई ठंड के मौसम में ही मिलेगी यहाँ पर कपड़े, अभी गर्मियाँ चल रही हैं तो भाई गर्मियों के कपड़े मिल रहे हैं सबसे अच्छे अच्छे, बहुत जैन मन कपड़े, बट हमारे विक्की भाई को चाहिए नहीं। और क्या, इतना बढ़िया बढ़िया कपड़े मिल रहे हैं और ना तो हम आते ना हमारी गाड़ी ख़राब होती। इतना धक्का लगाया भाई, धक्का लगा तो मैंने आपको दिखाया ही नहीं है, मतलब इतनी दूर जाके धक्का लगाया मैंने और फिर उतनी दूर आके मैंने वो करा, क्या नाम है, गाड़ी सही कराई, फिर मेरे जाके थोड़ी राहत मिली कि हाँ भाई गाड़ी सही होगी, बट अभी पूरी सही नहीं हुई है,
तो भाई मैं जा रहा हूँ अब घर, मेरा हो गया मत्था ख़राब, ठीक है। तो घर पे चलते हैं और घर पर देखते हैं अब क्या सीन है, कैसे है। बाय द वे आज तो वैसे थोड़ी खुशी है क्योंकि आज हम नया पीसी लेकर आए हैं। बाय द वे पीसी भी अभी ढंग से चलाना नहीं आ रहा, वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा, वो भी एक प्रॉपर्टी है, दिक्कत ही है। तो घर चलते हैं और फिर घर पे मिलते हैं आपसे। चल सूरज की गर्दन कर, थंबे लगा दे अभी, सूरज की कट गई गर्दन, थंबे लगा दे। क्या कर रहा है? ये टाइट पकड़ ना, दिख रहा नहीं है तुझे, वाईफाई लगा रहा है सूरज यहाँ पे। देखो ये नीचे की रोले जाए तो मेरे चैनल को आके सब्सक्राइब करो, लाइक करो और काम कर। ए जा रहा मैं, बोलियो पंखा चलाना, गर्मी हो रहा है। पंखा चल गया, अरे ठोक के हाथ में नीचे उतार ना कर। अरे बोल तो दोगे ठोकने वाला जब ही, तो तू ठोक तो रहा है उससे। वहाँ पे वाईफाई रखा हुआ, देखो वो हो रहा। तो भाई बहुत देर पहले ही हम लोग घर पे आ चुके थे। भाई देखो घर पे आने के बाद जैसा कि मैंने बोला था कि एक चीज़ लाने वाले थे, पता नहीं हमने बोला नहीं बोला, बट हम गाइस एक पीसी लेकर आए हैं। भाई देखो उसकी सेटिंग चल रही है अभी, टेबल भी जस्ट अभी अभी खरीद के लाए हैं, विक्की सूरज दोनों जाकर, ठीक है। और ये देख सकते हो वहाँ से वाईफाई का तार लगा कर सूरज भाई यहाँ पर। भाई देखो पहले वाईफाई वहाँ लग रही थी, जो बल्ब दिख रहा है ना बल्ब के बगल में, तो अब जो है वाईफाई यहाँ से करके सीधे कमरे में लगा दिया है, ठीक है। जिससे कि लैपटॉप चलाने में, मतलब हो क्या पीसी चलाने में आसानी होगी। तो गेमिंग पीसी है भाई, अभी आपको हम कल दिखा देंगे, ठीक है। इसका रिव्यू एक दिन पूरा दे दूँगा ब्लॉग वाले चैनल पर बढ़िया तरीके से। तो अभी तो सूरज वाईफाई लगा रहे थे, देख सकते थे कितना बेचारा स्ट्रगल कर रहा था। समझ सकता है मेरा दुख? नहीं तू कहीं समझ सकता है मेरा दुख? कहीं समझ सकता है मेरा दुख? कोई नहीं समझ सकता, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। A few moments later. खाना ये बनाए? आलू गोभी की सब्जी। आलू गोभी? हाँ हाँ। सूरज तू कितनी रोटी खा गया? छठी रोटी खा रहा हूँ। छठी रोटी? अब कुत्ते के लिए बचेगी भी नहीं बचेगी, आलू गोभी बनी है तो। ये बात सही है यार। हैं? कुत्ते के लिए? तू भी रोटी लेकर आया था शायद। कौन? तू? अखबार में लिपटे हो क्या? नहीं वो तो वो देते हैं अंकल मास्टर जी। अखबार में लिपेट गया? और तूने यहाँ का लाके रख दी, दो दिन से यहीं पड़ी थी टेबल पे, जूते चप्पल वाले पे। किसने निकाली थी? नहीं। अच्छा दो दिन रख के चला गया था, मैं नहीं देखा था। अच्छा इतनी सारी बची है, ये दूसरी बार लेके भी आ गया, चावल भी रोटी भी खा ली इसने। हैं तूने रोटी भी खा ली? बताओ। तो भाई फाइनली सारा सेटअप हो चुका है, ठीक है, और हम लोग ऊपर आ चुके हैं और हमने खाना वाना सब खा लिया है। और लिटरली गाइस बहुत तेज़ नींद आ रही है मुझे, सुबह 6 बजे का उठा हुआ हूँ मैं, जैसे कि मौसी जी के लड़के के साथ गया था हॉस्पिटल। सो होप करता हूँ कि आप लोगों को इस ब्लॉग में मज़ा आया होगा, अगर मज़ा आया हो तो लाइक करना, चैनल पर नया सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय।